गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ये माइक है ना, इसका तार गिर गया था। अब माइक का तार गिरेगा तो कुछ समझ थोड़ी आएगा, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था बीच में। चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट बोल देता हूँ, इस चीज़ का मैं इसको सेकंड पार्ट बोल देता हूँ। मैं अब आपके सामने इसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अजम्पशंस की बात करें, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, रिसोर्सेज आर गिवन, टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। चलिए एक फटाफट से मैं आपको इस एक डायग्राम बना रहा हूँ इसका। इसके एक्स एक्सिस पर बच्चों मैंने लिया है एक्स गुड, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है इसका वाई गुड। और बच्चे ये जो है ना, ये मेरा रिसोर्स है। क्या है मेरा ये रिसोर्स? तो देखो, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। गिवन है पहले से, मुझे अपनी तरफ से नहीं बनाना। अब मैं बात करता हूं पहली पॉसिबिलिटी की। मैं अगर इस ए पॉइंट की बात करता हूं तो बच्चों आप ध्यान से देखना और समझ रहे हैं इस चीज को। इस ए पॉइंट पर x की x1 और y की y1 क्वांटिटी को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। ए के अंदर x की तो x1 और y की y1 क्वांटिटी को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। इन दैट केस अगर मुझे लगता है कि सर मेरे पास में x तो बहुत सारा है, अब मुझे x प्रोड्यूस नहीं करना, मुझे y ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, y ज्यादा बढ़ा दूंगा। जब y को बढ़ाकर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये b पॉइंट मिलेगा आपको, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, x2 प्रोड्यूस कर रहे हो। यहां पर आप x2 और y2 आप ये प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब क्या है मेरे कहने का, मतलब मेरा कहने का यह है, आप किसी भी पॉइंट को काम में ले आपके रिसोर्सेज में चेंज नहीं आएंगे, आपके जो रिसोर्सेज है उसमें चेंज नहीं आएंगे। समझ गए आप मेरी बात को? आगे देखिए, अगर मैं x को बढ़ाता हूं तो x को बढ़ा के मैंने x3 कर दिया, आप देख सकते हैं कि y जो है वो आपका कम हो गया है और x जो है वो आपका बढ़ चुका है। इस c पॉइंट की बात करता हूं, यहाँ पर x3 और y3 आपका आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पर एक बात और सामने आ रही है। If I want to produce more quantity of x, then I have to sacrifice some quantities of y। ये पूरा लॉ है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में बाद में, क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। भैया रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। मैंने कल आपको क्या बताया था, पापा ने 1000 रुपए दिए शर्ट और पैंट लाने के लिए, शर्ट की रेट 600, जींस की रेट 700, दोनों नहीं आ सकते सर, या तो केवल शर्ट आ सकता है या केवल जींस आ सकती है। तो आपको रिसोर्सेस तो गिवन है, आपको गिवन रिसोर्सेस से ही यहाँ पे सारा काम करना पड़ेगा। यहां मैंने आपको जो सिंपल डायग्राम बताया है वो पीपीसी का बताया है। एक डायग्राम और देखते हैं, आपको एक छोटा सा डायग्राम जिससे आपके जो छोटे से डाउट है वो आपके और क्लियर हो जाए। अगेन बच्चों मैंने यहाँ पे एक्स कोड लिया, यहां मैंने क्या लिया आपके सामने वाई कोड। ये क्या है आपके, पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। समझ गए आप लोग? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है एक्स गुड, यहां पर क्या है वाई गुड, और ये क्या है मेरे, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। मैं अगर इसमें पॉइंट डी की बात करूं या पॉइंट ई की बात करूं, पॉइंट एफ की बात करूं या पॉइंट जी की बात करूं, तो एफ और जी की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट एफ और पॉइंट जी के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं, पॉइंट एफ
और पॉइंट जी के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि भैया जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। और डी और ई की बात करूँ, अगर मैं पॉइंट डी और पॉइंट ई की बात करूँ तो ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वो ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं। और ए बी और सी की मैं बात करूं, ए बी और सी वो तीन पॉइंट है जहां पर आपके रिसोर्सेस परफेक्टली आ रहे हैं, आपके जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से काम वहां पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे मैंने क्या बताया आपको, इसको डिफाइन कराया, इसके अजम्पशंस बताए, इसका ब्लॉक डायग्राम बताया। ठीक है, कल मैं आपके सामने लेके आऊंगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस क्या क्या होते हैं ये बताऊंगा। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब तक वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और डाउट हो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए, आपको दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। सेल्फ नोट्स बनाइए, बुक्स आपके पास अवेलेबल है, ये वाला सिलेबस 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में इक्वली काम करेगा। क्लियर? स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।